जी दो 2010 में, 2010 में हमारे एक आंदोलन के बाद एनटीपीसी और हमारा एक समझौता हुआ था, जो कि जिसके मध्यस्थ थे सुशील कुमार शिंदे, जो तब के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे। उस समझौते में एनटीपीसी ने कहा था कि हम आपके घर मकानों का बीमा करेंगे। हमको इन्होंने जो है, क्योंकि हमारे पेयजल स्रोत जो है एनटीपीसी की टनल की वजह से सूख गए थे, उसके लिए इन्होंने हमको 16 करोड़ रुपया दिया जोशीमठ को पेयजल योजना के लिए। ये भी तथ्य है जिससे साबित होता है कि भाई इनके टनल से हमारे को नुकसान हुआ। बिल्कुल लिखित है, हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, जी, 10 साल पुरानी बात हो गई। जी, 12 साल पहले की। जी, और शिंदे थोड़ा सेंसिबल आदमी था। जी, 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 जी हाँ, जी 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 धन्यवाद। जी, एक और कहना है कि किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ मत जुड़िए। जी जी बिल्कुल, नहीं तो होगा ये कि जो भी कुछ आप अच्छा कर रहे हो वो तो भूल जाएंगे लोग, और बल्कि ये कहना शुरू कर देंगे कि ये सती जी जो है ये पॉलिटिकली मोटिव है। ठीक, जी लेकिन अगर आप इस समय जो नहीं नहीं मूल मुद्दा है उससे चीजें डाइवर्ट हो जाएंगी। नहीं, वो ये तो हमने संघर्ष समिति के तहत ही किया। ये संघर्ष समिति तो हमने 2004 में बना ली थी इसी परियोजना के। जी 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 मैं जानता हूँ, जो जितना मैंने सुना उसमें मैंने ये नहीं कहा कि आप हो गए, मैंने कहा कि इस पर इस समय अगर आप कोई आपकी विचारधारा है उसके मुताबिक कुछ काम होता भी है वो उन्हें तो वो अलग बात है, लेकिन पर्सनली इस समय आप जी जी बिल्कुल जी में ये नैनीताल और उसके आसपास नैनीताल के भी होटल्स में जी, तो वो एक व्यापक क्षेत्र पर है, उसको टच करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक, मैं तो चूके थोड़ा सा स्वास्थ्य के कारण से आ जा नहीं। अच्छा, जी, आ गया होता है आदमी के लिए। जी, चलिए ठीक है, आप अपने स्वास्थ्य ख्याल रखिए। जी ठीक है यार, अंदर तक शांति है। जी, हाँ जी, जरूर। ठीक, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।